वर्क इंटरव्यू में कैसा एनवायरनमेंट रहता है मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। जैसे आप रूम के अंदर घुसोगे, सामने ही आपके साथ 5 या 6 मेंबर होंगे, उनमें से एक लेडी मेंबर भी हो सकती है। और चेयर बेसिकली ऐसे होता है कि जो टेबल होती है उसके जस्ट बगल में उनकी सीट होंगी, उसके इधर आपकी सीट होगी। मतलब IAS में ऐसा होता है कि उनमें दूर थोड़ा रख देते हैं वो, ताकि एक एक चीज़ आपकी स्कैन कर सकें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आसपास में है, तो आपको थोड़ा हेजिटेशन भी नहीं होती। ऐसी फील आई थी मुझे। ठीक है, जाते ही आपका पहले जो भी डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे होंगे, जो आपसे ऑलरेडी पहले फिल करवा चुके होंगे, तो उससे रिलेटेड अगर उसमें कोई कमी है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे, नहीं तो वो सीधा आएंगे आप कहाँ से हो, क्या फेमस है उधर, ताकि आप अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कहीं सवाल को गलत ना कर दो। तो मतलब पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देते हैं, मतलब फ्रेंडली माहौल बना देते हैं, ताकि आपको बेसिकली आपकी जो सॉफ्ट स्किल हैं उनकी वजह से आप आंसर देने में कोई कमी नहीं करो, इसलिए वो ऐसा सब करते हैं। जब लगे कि माहौल अब एकदम ठंडा है, अब फ्रेंडली हो चुका है पूरा, तब वो भेजते हैं ब्लैक बोर्ड पर सामने, जो जस्ट सामने होता है, थोड़ी सी इतनी मोटी एक बेसिकली लकड़ी का होता है, जो स्टेज टाइप थोड़ी बना रखी है उन्होंने। सामने ग्रीन बोर्ड होगा जिस पर चौक से आपको लिखना होगा, मार्कर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है।